हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम नाउंस के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिंगुलर, प्लूरल, एक नंबर नाउन, अगर नाउन एक है संख्या में तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या स्पेलिंग करते हैं, और जब एक से ज़्यादा नाउंस हैं तो उसको हम किस तरह से काउंट करते हैं, किस तरह से उसकी स्पेलिंग लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जैसे इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्लास है, तो ये वन ग्लास है, तो इसको हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं, और जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसको हम प्लूरल नाउन बोलते हैं। और स्पेलिंग में जैसे ज़्यादातर ES लिख देते हैं, तो ग्लासेस हो गया, एक से ज़्यादा यहाँ पर तीन ग्लास हैं। इसी तरह से बॉक्स, एक बॉक्स है तो वो सिंगुलर नाउन हो गया, और एक से ज़्यादा बॉक्स हैं तो उसको हम बॉक्सेस बोलते हैं, और ये प्लूरल नाउन हो गया। इसी तरह से कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल होने पर उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे मैन, MAN मैन, अगर सिंगल आदमी है तो उसको हम मैन बोलते हैं, और एक से ज़्यादा आदमी है तो हम उसको मैन, उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, MEN हो जाएगा एक ही जगह पर। इसी तरह से मैंगो का सिंगुलर नाउन में मैंगो हो गया, और प्लूरल नाउन में मैंगोज, ES ऐड हो गया। फिश जो होती है, एक फिश सिंगुलर नाउन में भी फिश होती है और प्लूरल नाउन में भी। तो इस तरह से बच्चों नाउन्स के नंबर्स होते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है नाउन के नंबर स्पेलिंग लिखते समय, कि नाउन्स जो होते हैं उसको हम किसी भी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या चीज़ के लिए हम उसको सिंगुलर नाउन बोलते हैं, और जैसे कि ग्लास है, ऑक्स है, मैन है, लीफ है। लेकिन जब एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल या कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम प्लूरल नाउन बोलते हैं, जैसे कि ग्लासेस है, ऑक्सियन है, मैन है, लीव्स हैं। इस तरह से अलग अलग सिंगुलर नाउन को प्लूरल स्पेलिंग जो होती है उसकी, प्लूरल नाउन की स्पेलिंग वो अलग अलग तरीके से बनती है। ज़्यादातर नाउन ऐसे होते हैं जो एस या ES लगाकर उसके प्लूरल नाउन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर रैट है तो रैट्स, एस ऐड कर दिया तो ये उसका प्लूरल नाउन हो गया। चेयर है तो चेयर्स हो गया। कुछ नाउन जिनके सिंगुलर नाउन के एंड में CH, डबल एस, X या ES होता है तो उनका प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES ऐड करते हैं। जैसे मैच में CH है लास्ट में तो ES हो गया, मैचेस। ग्लास में ES हो गया। इस तरह से अब नेक्स्ट तरीका होता है, जिन सिंगुलर नाउन के एंड में ओ होता है उनका प्लूरल नाउन बनाने के लिए हमें उसमें सिर्फ एस ऐड करना होता है। जैसे किलो का किलोज, फोटो का फोटोज, उसमें हम ES ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ एस ऐड करते हैं। इसी तरह से कुछ नाउन जिनके लास्ट में ओ होता है उसमें हम ES भी ऐड करते हैं। जैसे टमाटो तो टमाटोज, ES हो गया। पोटैटो है तो पोटैटोज हो गया। जो नाउन वाई से ख़त्म होते हैं सिंगुलर नाउन और उसके पहले कोई वोवेल होता है, वोवेल यानी कि AEIOU में से कोई भी एक लेटर होता है। जैसे टॉय में वाई से पहले ओ है, ट्रे में वाई से पहले ए है, की में वाई से पहले ई है। तो इनका प्लूरल नाउन बनाने के लिए बच्चों हमें सिर्फ एस ऐड करना होता है। और जब अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर होता है, मतलब वोवेल से अलग कोई भी अल्फ़ाबेट होता है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें उसको वाई को हटा करके IES ऐड करना होता है। जैसे फ्लाई का फ्लाइज हो गया, फेरी का फेरीज हो गया। इस तरह से अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं सिंगुलर नाउन जिनके एंड में F या FE होता है, जैसे लाइफ है, वाइफ है, लीफ है। तो इनका प्लूरल नाउन बनाने के लिए F या FE को हटा करके हम उसमें VES ऐड कर देते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर से प्लूरल होने पर पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे माउस है, एक माउस को जो बहुत सारे माउस होते हैं तो उसे हम माइस बोलते हैं। फूट का फीट हो जाता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमें उसमें EN या RE ऐड करते हैं। जैसे ऑक्स का प्लूरल नाउन हो गया ऑक्सियन। एक बच्चे को हम चाइल्ड बोलते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं तो REN ऐड कर देते हैं, चिल्ड्रेन हो जाता है। इसी तरह से कुछ नाउन्स होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सिचुएशन में एक ही स्पेलिंग रहती है उनकी, उनमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे डियर है, हेयर है, शीप है, फिश है। तो ये नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही स्पेलिंग इसमें यूज़ की जाती है। तो बच्चों अब हम इसी को एक्सरसाइज की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि अब हम फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सिंगुलर को उसके प्लूरल नाउन से मैच करेंगे। जैसे यहाँ पर लीफ है पहला, तो लीफ का प्लूरल होता है लीव्स। काफ का होता है काव्स। पोटैटो का होता है पोटैटोज। इको का होता है इकोज।
बीच का बीचिस, की का कीज, रेडियो का रेडियोज, इस तरह से हम इनको मैचिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें सिंगुलर नाउन का करेक्ट प्लूरल नाउन लिखना है। जैसे बुक्स, यहाँ पर प्लूरल नाउन लिखा हुआ है तो इसका सिंगुलर नाउन होगा बुक, बी डबल ओ के बुक। वैलीज का वैली, अब यहाँ पर रे लिखा है तो इसका प्लूरल नाउन हमें लिखना है रेज। काइट का काइट्स, इस तरह से हम सिंगुलर नाउन के प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन के सिंगुलर नाउन लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाने हैं। जैसे मॉस्किटो लिखा है तो मॉस्किटो में यहाँ पर हम मॉस्किटोज लिखना है तो यहाँ पर हम ई एस ऐड कर देंगे तो मॉस्किटोज हो गया। शू है तो शूज, एस एच ओ ई एस, शूज हो गया। लोफ का लोफ्स, एल ओ ए वी ई एस, लोव्स। इसी तरह से ब्रश का ब्रशेस, बी आर यू एस एच ई एस, ब्रशेस। इस तरह से हम स्पेलिंग चेंज करके सिंगुलर को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। जैसे ए डैश हैज़ टू डैश, तो हम क्या लिखेंगे, ए चाइल्ड, ए चाइल्ड हैज टू हैंड्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, गर्ल्स लव टू प्ले। सुटेबल नाउन को साट करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें सिंगुलर नाउन को सर्कल करना है और प्लूरल नाउन को अंडरलाइन करना है। तो जैसे दिस चाइल्ड, तो चाइल्ड एक सिंगुलर नाउन है इसलिए हम इसको सर्किल करेंगे। इज फोंड ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट्स प्लूरल नाउन है इसलिए इसको हम अंडरलाइन करेंगे। द मैन, मैन सिंगुलर नाउन है तो सर्किल करेंगे, और सन्स प्लूरल नाउन है तो अंडरलाइन। काउ सिंगुलर नाउन है, लेग्स प्लूरल नाउन है, चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे, और क्रिकेट सिंगुलर नाउन है तो इसलिए इसको हम सर्किल करेंगे। इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस में भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन को पहचान कर उनको अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हैं। तो ये था बच्चों नाउन के नंबर्स के बारे में, सिंगुलर और प्लूरल नंबर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।